हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटा देखो, आप लोगों की ना अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी और हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले भी मैं क्लास ले चुकी हूँ इसकी, एक एक क्लास हो चुकी है, बट आई विल बी रिपीटिंग क्योंकि काफी बच्चे शायद अटेंड नहीं किया था, बहुत कम बच्चे आए हुए थे। तो बच्चों देखो, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो मैंने सेंटेंस लिख दिया, इसको अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो इट इज सेल। क्या होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल होती है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया, जो बॉटल होती है ना, बॉटल, बॉटल के ऊपर पहले पुराने जमाने में ऐसे लकड़ी का ऐसे ढक्कन लगाते थे, ठीक है, इसे बोलते थे कॉर्क, है ना। तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को कट करके देखा, बीच में से काट के देखा इसको। उन्होंने फिर माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने इसको काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको पता चला कि इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऐसे डब्बे से बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने इस डब्बे का नाम सेल रख दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बोलना है रॉबर्ट हुक ने। क्या बोला था इन्होंने कि ये जो कंपार्टमेंट है, देखो इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनीबी का जो कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना। तो उन्होंने बोला था कि सेल जो होता है वो हनीबी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी तरह अरेंज होते हैं ऐसे हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि जिसके 6 कोने होते हैं, 6 कॉर्नर्स। देखो एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये, टोटल 6 हो गए ना, 6 कॉर्नर, तो ऐसे को बोलते हैं हेक्सागन। तो उसने बोला कि सेल जो होता है वो कुछ कुछ ऐसा हनीबी के कॉम जैसा हेक्सागनल शेप का होता है, ठीक है। और ये उन्होंने कब किया था, 1665 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इतना याद हो गया आपको। देखो इन्होंने इसका नाम सेल क्यों रखा, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, तो जो रॉबर्ट हुक थे उनकी लैंग्वेज, जो उनकी भाषा थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, लैटिन, LATIN, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सेल। और उनकी लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है छोटे छोटे डब्बे, लिटल रूम्स, लिटल रूम्स, छोटे छोटे डब्बे। तो इसीलिए उन्होंने इसको सेल बोल दिया। देखो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए ना, डब्बे जैसे बने हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम सेल रख दिया था, ठीक है। तो यहां पे पूरे में आपको क्या पता चला कि सेल बहुत छोटा होता है, तभी तो माइक्रोस्कोप में दिखा है, सेल इज वेरी स्मॉल, और सेल इज अ रूम लाइक, लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट जो मेन सबसे जरूरी बात आपको पता चली कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है, आगे बताऊं अब। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, आपकी बुक में एक्टिविटी नंबर 5.1 दे रखी है, ठीक है, पेज नंबर 57 पे। इस एक्टिविटी में वो आपको क्या बोल रहा है, उन्होंने बोला है कि आपको एक अनियन लेना है, अनियन समझते हो, प्याज, उसको, अनियन को जब आप छीलते हो, उसका कवर उतारते हो, और जो अंदर जो फ्लैशी स्ट्रक्चर मिलता है उसको भी जब आप तोड़ के और सेपरेट करने की कोशिश करते हो, तो उसके अंदर से एक पील, ट्रांसपेरेंट पील निकल के आती है। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी था कि आपको ये एक्टिविटी करके दिखानी है, अपने घर पे अपनी मम्मा से बोलिए कि व्हाइट कलर का, थोड़ा थोड़ा व्हाइट होता है, व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होता है, वो जो होता है उसे पील बोलते हैं। मैंने आपको बोला था मेरे पास अनियन पील की फोटो भेजनी है, आपने नहीं भेजी। ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है, अनियन में से पील निकलवाइए, आपके पेरेंट्स निकाल के देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपको अनियन की पील एक्सट्रैक्ट करके दिखाती हूँ कि पील कैसे निकालनी होती है। ये देखो ये छिलका दिखाई दिया आपको, ये देखो, दिखा आपको, ये अनियन की पील है। इस पील को जब आप
माइक्रोस्कोप में लगा के देखोगे तो आपको हेक्सागन शेप के स्ट्रक्चर मिलेंगे जो आपकी बुक में बने हुए हैं। तो इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको, अनियन की पील लेनी है और इसको आपको माइक्रोस्कोप में रख के देखना है, ठीक है। जब आप अनियन की पील को माइक्रोस्कोप में रख के देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा रॉबर्ट हुक को कॉर्क में दिखा था, हनी बी की तरह डब्बे बने हुए मिलेंगे, हनी बी के छत्ते की तरह, उसके कॉम्ब की तरह ऐसे बॉक्सेस बने दिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपकी बुक में। फिगर नंबर 5.2 देख लेना, ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सेल सबसे फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है जिससे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जिससे कि एक लिविंग बॉडी बनती है। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए, आप ईंटों को जोड़ जोड़ के एक दीवार बनाते हो ना, ईंटों को जोड़ने से दीवार बन जाती है ना। ब्रिक्स जो होती हैं उनसे आप एक वॉल बना सकते हो, ठीक वैसे ही सेल्स को यूज करके आप एक लिविंग बॉडी बना सकते हो। एक लिविंग बॉडी बन जाएगी सेल से। जो सेल होती है, एक अकेली सेल भी लिविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया देखे हैं आपने, नहीं देखे होंगे सुने होंगे, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, एक अकेली सेल होती है। अमीबा देखा है आपने, अमीबा ऐसा होता है, एक सेल से मिलके बनता है। तो जो लिविंग बॉडी होती है उसके अंदर सिंगल सेल भी हो सकती है, एक अकेली सेल भी हो सकती है, और मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स भी हो सकती हैं एक लिविंग सिस्टम के अंदर। एक लिविंग जो है उसके अंदर सिंगल सेल, एग्जाम्पल अमीबा हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, और बहुत सारी सेल, जैसे कि हम जो इंसान होते हैं हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, चलो। अच्छा बच्चों, अपनी बुक में फिगर नंबर 5.1 को भी ध्यान से देखना, वो क्या है, वो एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप वो होते हैं जो किसी छोटी चीज को, जो बहुत ही स्मॉल होती है, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो बड़ी होके आपको नजर आती है, लार्ज साइज में आपको वो नजर आती है। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो मेटल की बनी हुई हेल्पिंग कोई चीज जो आपको कुछ काम करने में मदद करे, जैसे कि सुई एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सिलाई करते हो, है ना, कैची एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पेपर या कपड़े को कट करते हो, वैसे ही माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसी छोटी सी चीज को बड़ा करके देखते हो, ठीक है। माइक्रोस्कोप को सिंपल फॉर्म में अगर आप समझो तो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कल मैंने आपको दिखाया था, कल जूम की क्लास में मैंने आपको माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास दोनों दिखाए थे। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो बड़ा करता है लेकिन इतना बड़ा नहीं कर पाता, लेकिन माइक्रोस्कोप तो बहुत, माइक्रोस्कोप 1000 गुना 500 गुना तक बड़ा करके दिखा देता है। ये जो होता है ना, ये मुश्किल से 5 या 10 times बड़ा करके दिखाता है, मतलब एक चीज को 5 गुना बड़ा करके, 10 गुना बड़ा करके, मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन माइक्रोस्कोप 1000 गुना बड़ा करके दिखा देता है। अब आप सोच के देखो, छोटी सी चीज थी आपको कितनी बड़ी दिखेगी वो माइक्रोस्कोप में, है ना। अच्छा बेटा, जब आप स्कूल में आओगे मैं आपको अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट कराऊंगी। अनियन पील का ये जो डायग्राम आपको मिला, इसके बीच में जो ब्लैक कलर की डॉट है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, NUCLEUS, न्यूक्लियस। और ये डब्बे को तो सेल बोलते ही है, ये तो आपको पता ही है ना। ये दोनों नाम आप याद कर लेना, न्यूक्लियस एंड सेल, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको एक एक करके डिस्कवरी साइंटिस्ट और सेल बताती हूँ कि क्या क्या ढूंढा गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ढूंढा गया था, कौन से साल में और किसने ढूंढा था। देखो, सेल जो था कॉर्क में, अभी हमने पढ़ा वुडन कॉर्क के अंदर, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था 1665 में, है ना। उसके बाद जो लिविंग सेल होता है, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, वो लिवन हुक ने पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड समझते हो ना, गांव में जो तालाब वगैरह होता है, पॉन्ड वाटर में सबसे पहले लिविंग, एक जिंदा सेल ढूंढी थी। किसने, लिवन हुक ने। कब ढूंढी थी, 1674 में, ठीक है। उसके बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, अनियन पील के बीच में एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने
न्यूक्लियस बोला था। इस न्यूक्लियस को सर्च किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस ढूंढा था, और वो रॉबर्ट हुक थे जिसने सेल ढूंढा था। रॉबर्ट ब्राउन ने कब ढूंढा था? 1831 में। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखो ये सेल होती है, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इतना आप जानते हो। सेल और न्यूक्लियस के बीच में ना थोड़ा लिक्विड, पानी जैसी चीज भरी हुई होती है। क्या होता है? लिक्विड कुछ फिल होता है। इस लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यानी कि सेल के अंदर ये जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म है, इसको ढूंढा था पुर्किंजे ने, साइंटिस्ट है ये, इसने ढूंढा था 1839 में। ओके, अब देखो सेल के अंदर इन तीन चीजों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आपको अब तक तीन चीज पता चली है, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री, बीच में न्यूक्लियस, अंदर जो लिक्विड है, वाटर है, प्रोटोप्लाज्म। जब आप इसको और बड़ा करके देखोगे ना, सेल को जब आप और भी बड़ा करके देखोगे, तो आपको इसके अंदर और भी चीजें नजर आएंगी। आपको पता चलेगा कि इसके अंदर छोटी छोटी और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और पानी के अलावा इस सेल के अंदर काफी कुछ है, और ये चीजें आपको तब दिखेंगी जब आप इसको और भी बड़ा करके देखोगे। और वो बड़ा करके कौन दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही हाई पावर का माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीज भी नजर आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में हुई थी। तो यानी कि एक सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इस लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ये हमको 1940 के बाद में पता चला था। क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास इतनी पावर का माइक्रोस्कोप ही नहीं था कि हम इतनी छोटी चीजों को देख सकें, है ना। तो 1940 के बाद जब हमारे पास बहुत अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चला कि इस प्रोटोप्लाज्म, इस लिक्विड के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, इनको सेल ऑर्गनली बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सेल ऑर्गनलीज। ठीक है, अब तक आपको मैंने क्या क्या बताया? बाहर वाली बाउंड्री सेल, अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म, उसके बिल्कुल अंदर न्यूक्लियस, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सेल ऑर्गनलीज। अब तक मैंने आपको इतना बताया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब मैंने आपको बोला था लिविंग जो भी चीजें होती हैं वो एक सेल से भी बन सकती हैं, सिंगल सेल से भी, और बहुत सारी सेल से भी। जब वो एक सेल से बनती हैं, उन्हें यूनिसेल्यूलर बोला जाता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यानी कि जब वो एक सेल से मिलकर बनी है, और जब वो बहुत सारी सेल से मिलती है, मेनी सेल्स, तो उसे बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टीपल सेल्स यानी कि मेनी सेल, एक से ज्यादा सेल। अगर वो सिंगल सेल से बनी है यूनिसेल्यूलर, और अगर वो बहुत सारी सेल से बनी है तो उसे बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। नाम देख लो, मैं आपको कुछ नाम बताती हूं। अमीबा, अमीबा यूनिसेल्यूलर होता है, अकेली सेल होती है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उसकी बाउंड्री होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ऐसा होता है अमीबा। अमीबा के अलावा और कौन कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह, ये सब यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक अकेली सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, और अगर आप मल्टीसेल्यूलर की बात करो तो जितने भी आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स, सारे प्लांट्स, जितने भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, फंजाई, फंजाई जानते हो, मशरूम वगैरह जो आप खाते हो, ये सब किसके बने हुए होते हैं? ये मल्टीसेल्यूलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल के मिलके बनते हैं। इतना समझ गए आप? अच्छा, एक चीज और देखो, जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ना, वो भी शुरू में एक अकेली सेल होती है, एक सेल होती है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? जाइगोट नाम है इसका। ये एक अकेली सेल होती है, ये बार बार डिवाइड करती जाती है, एक से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, और फिर क्या होता है, मान लो एक मशरूम बना रहे हो आप, तो ऐसे करके मशरूम, देखिए ना आपने, ऐसे मशरूम बन जाती है, फिर ये बहुत सारी सेल्स इसके अंदर इस शेप में अरेंज हो जाती हैं,
ये शेप बना लेती हैं, ये बहुत सारी सेल डिवाइड कर करके, ठीक है, और क्या बन जाता है, बन गया मशरूम या फिर कोई पौधा, प्लांट वगैरह, ये जितने भी प्लांट्स हैं, लीफ वगैरह हो गई, ये सब ऐसे ही बनते हैं। पहले क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है जिसे जाइगोट बोलते हैं, वो सेल डिवाइड करके खूब सारी, जब एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाती है ना, एक से बहुत सारी, तो उसे बोलते हैं सेल का डिवाइड करना, सेल डिवीजन बोलते हैं उसे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्टिविटी नंबर 5.2 है आपकी बुक में। उस एक्टिविटी में आपको क्या बोला है कि आपको क्या लेना है, लीव्स वगैरह लेनी है, अनियन की पील वगैरह लेनी है, ठीक है, मतलब अलग अलग कोई भी प्लांट की स्टेम वगैरह ले लीजिए, चाहे वुडन कॉर्क ले लीजिए या फिर लीफ ले लीजिए या फिर अनियन की पील ले लीजिए, और उन सबको कट करके माइक्रोस्कोप में देखना है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि इन सब की शेप अलग अलग है, ये सब एक दूसरे से अलग अलग शेप की नजर आएंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चलता है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सेल बहुत अलग अलग शेप्स में मिलती हैं। आपकी बुक का डायग्राम नंबर 5.3 देखिए, फिगर नंबर 5.3 देखो, जो इस टाइप की है, क्या है वो, देखो बुक में, स्मूथ मसल सेल्स है ना, ये क्या है, स्मूथ मसल सेल्स। ये क्या है, ये आपकी ब्लड की सेल्स हैं। ये क्या है, ये बड़ी सी सेल आपकी नर्व सेल है। क्या है ये, नर्व सेल। नर्व सेल कहाँ मिलती है, अरे यार, नर्व सेल मिलती है ब्रेन में। कहाँ मिलती है, दिमाग के अंदर, ब्रेन में। जितना भी ब्रेन का कंट्रोल होता है ना आपकी पूरी बॉडी पे, आप जब मर्जी हाथ हिला रहे हो, पैर मूव कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हो, जितना भी आपका कंट्रोल है, आप बोल रहे हो, है ना, जो भी चीजें आप कर रहे हो, ये सब नर्वस कंट्रोल है। ब्रेन जिस भी आपको मैसेज भेज रहा है कि अब ये करो, अब वो करो, अब उठो, अब बैठो, अब सो जाओ, ये सब आपका नर्व से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, नर्व सेल से। ये क्या है, ये है आपका ओवम। ओवम यानी कि अंडा, जो देखा है ना आपने, एग, वो है ये। जो मुर्गी वगैरह का जो एग होता है, हेन वगैरह जो एग ले करती है, या बर्ड्स वगैरह, वो सेम यही होता है। एग इज अ सिंगल सेल, एक अकेली सेल से मिलके बनती है एग, ठीक है। तो ओवम इज अ सिंगल सेल। इसके साथ में ये क्या बना हुआ है, दिस इज स्पर्म। जैसे एक फीमेल एग ले करती है, अंडा देती है, वैसे ही जो मेल होता है, मेल स्पर्म बनाता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जाइगोट बताया था कि जाइगोट बनता है जिसकी डिवीजन के बाद, जिसमें सेल डिवीजन के बाद एक बड़ी बॉडी बनती है। तो वो कैसे बनता है, जब ये एग और ये स्पर्म, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं, तो जो हमें एक अकेली सेल मिलती है, सिंगल सेल मिलती है, उसे जाइगोट बोलते हैं, क्लियर है। तो जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म और एग के मिलने से। अच्छा, इसके अलावा ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है, आपकी बोन, हड्डियां, जानते हो ना, बोन की जो सेल्स होती हैं वो ऐसी दिखती हैं। सबसे आखिरी डायग्राम आपका बना हुआ है फैट सेल का। फैट यानी कि जो बॉडी में चर्बी जमा होती है, फैट जानते हो ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, हम बोलते हैं फैट जमा हो गया है, तो उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा मास जो होता है, फैट होता है, उसको बोलते हैं, वो होती है फैट की सेल्स, वो ऐसी दिखती हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ह्यूमन के अंदर, देखो ये सारी सेल आपको एक ह्यूमन के अंदर मिलती है, इंसान के अंदर है ना ये सब। तो अब आप ये देख लो कि एक अकेले इंसान में कितनी अलग अलग तरह की सेल आपको मिल रही हैं, ठीक है। अब जो आगे आपका टॉपिक है ना, वो आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि सेल अंदर से लेके बाहर तक उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप एक बार इसको दोबारा पढ़ लेना।